नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं कोंगो पर रेस्ट इन बीट के कुछ लेसन। तो आइए देखिए कैसे बजाने हैं। तो वेरी सिंपल है, जैसे कि ये बेस है, बेस पर हमने फर्स्ट ऐसे लगाया जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था, वन। इसे बोलते हैं वन, या खाली को बोलते हैं गा भी। क्लियर है? वन। तो वेस्टर्न के कुछ लेसन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। एक लेसन निकालेंगे तो आगे के हमें अपने आप लेसन आते जाएंगे। तो कैसे करने हैं, यहाँ पे वन लगाया और यहाँ से राइट टू, इसे ना भी बोलते हैं। तो अभी हमने इसको सिंपल निकालने के लिए टू का नाम दे दिया, टू, वन, टू। क्लियर है? उसके बाद यहाँ बीच में हमने जैसे यहाँ टू बजाया, यहाँ भी इसको भी टू बोल देंगे, यानी टू टू कर देंगे। वैसे इसको नाना भी बोलते हैं, जैसे इसको खाली को गा करते हैं। अब हमने कैसे बजाया, वन टू, फिर वन, उसके बाद बीच में टू टू। क्लियर है? बस इतना ही बजाना है और ये पहली बीट हमारी हो गई। देखिए टाइमिंग में कैसे, वन टू, वन बीट हो गई। अब एक ध्यान रखेंगे कि हमने ये फर्स्ट फिंगर किनारे पे बजानी है और ऐसे मोड़नी नहीं है, सिर्फ ऐसे किनारे पे बजानी है। वन टू, वन वन टू, वन। इसे हम बोल भी कर सकते हैं, गा ना गा ना गा ना गा ना। क्लियर है? ये चार मात्रा की है, तो हम इसे अब बीट में बजा के देखेंगे। उसके बाद हम सेकंड बीट पे आएंगे, इसको आगे कैसे बढ़ाना है। वन 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 वन, तो इस तरीके से निकालना है। ये बीट हो गई, अब हमने इसमें और वेरिएशन क्या ऐड करना है। एक बीट और हमारा प्रकार बन जाएगा, हम एक बार इसे एक बार उसे बजा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे टू बजाया है दो बार, ऐसे हम यहाँ भी टू कर देंगे। ये हमारी सेकंड बीट है, बाकी बेस हमारा सेम टू सेम है। देखिए कैसे है, वन टू टू, वन 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 वन टू टू, वन। ये हमारी सेकंड बीट होगी। अब हमें प्रैक्टिस के लिए हमें से एक बार वो एक बार ये ऐसे जोड़ के हम प्लस करके इसको बजा सकते हैं। तो देखिए कैसे है, ऐसे निकाल सकते हैं। आइए एक बार और देखिए कैसे प्लस करते हैं हम इसको, वन 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 वन। हम इसे एक एक करके बजा सकते हैं, थोड़ी देर इसको थोड़ी देर उसको, ऐसे। तो दो बीट्स हो गई हमारी वेस्टर्न की, तो ऐसे निकाला। अब हम इसको जब ये हमारे निकल जाए एक दो चार दिन में, जैसे भी हम प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, याद रखिएगा कि किनारे पे बजाना है इसको। और अब हम चेंज करने के लिए थर्ड बीट पे इसको बराव के लिए और कैसे करेंगे, बाकी ये हमारा सेम रहेगा। तो हमने अब बेस की तरफ जाना है, बेस में हमने कैसे ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे टू ऐड किया, हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करना है, देखिए जैसे कि हमारा जैसे पहले चल रहा था वो सेम चलेगा, लेकिन एक बेस का बोल हमने गा का बोल एक्स्ट्रा जोड़ना है। वो कैसे, देखिए जैसे हमने बजाया पहले वन टू, वन टू टू, ये बजाया था, तो हमने इस टू टू के साथ में एक गा को प्लस करना है, बाकी सेम है। देखिए कैसे, यानी कि गा ना गा ना, फर्स्ट वाले ना और गा को प्लस किया, बाकी हमने अगले वाले ना को खाली छोड़ दिया। गा ना, यानी कि ये धाना बन गया, धा ना, गा और ना को प्लस किया, धा ना ना। तो ये है, अब देखिए कैसे बज गए, वन टू वन। ये आपको बिल्कुल ध्यान से निकालना पड़ेगा, जब निकल जाएगा तो हाथ बैठ जाएगा, तो ये भराव के साथ बजेगा। देखिए कैसे, वन टू वन, जो बाद वाला गा है वो आ जाएगा हमारा, वन टू वन। जा सकते हैं जो हमने पहले किए हैं,
इसके साथ बेस के साथ प्लस करके। तो इसे प्लस करना है, हम बेस वाला एक बार दोबारा देख लेंगे हम कैसे है। वन वन कैसे प्लस करना है, धा बाद खाली आ जाएगा वही चलेगा। वन तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, तो इसे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।